जहां राजपुरा के श्री दुर्गा मंदिर को लेकर मंदिर में सेवा करने वाले लोगों की ओर से मंदिर के बाहर मंदिर के सरप्रस्त श्री मनमोहन भोला को सरप्रस्त की कुर्सी से उतारने के लिए एक रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं देर शाम श्री मनमोहन भोला ने राजपुरा के सिटी थाना में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या है सारा मामला, आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। पिछले कई वर्षों से श्री दुर्गा मंदिर सभा में कमेटी सेवा करती आ रही है। इस कमेटी में कई सदस्यों सहित कई ओहदेदार भी सेवा निभा रहे हैं। इनमें श्री मनमोहन भोला जो काफी वर्षों से सेवा निभा रहे हैं और इस समय यह सरप्रस्त के पद पर रहकर मंदिर की सेवा कर रहे थे, मगर कुछ लोगों द्वारा मनमोहन भोला पर कथित आरोप लगाए गए कि यह मांस सिगरेट शराब आदि का सेवन करते हैं, जबकि मंदिर का सदस्य वही बन सकता है जो इन चीजों से दूर है। वह भोला पर यह भी आरोप लगाए गए कि यह मंदिर में अपनी मनमानियां करते हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि जो मंदिर में सोना चांदी चढ़ाया जाता है भोला वो अपने पास रखता है और किसी को हिसाब भी नहीं देता। भोला जी उसको मंदिर से बाहर निकाला जी। क्या कारण है उसको बाहर निकालने? उसका कारण यही है, वो कहता है मंदिर में मेरा राज है, मेरा राज है, मेरा राज है, मैं जिसको दिल करे मंदिर में आने दूं, जिसको दिल करे ना आने दूं। किसी मेंबर की पंडितों की किसी की नहीं चलती, किसी की एक की चलती है। प्रधान भी उसकी मर्जी का बनता है, जो मेंबर है वो भी उसकी मर्जी के, सब उसी के है। ध्यान से सुनिए, इससे पहले एक संजीव कमल जी थे यहाँ प्रधान, उनकी प्रधान की कैसी रही यहाँ? बहुत अच्छी थी पर उनकी चलती नहीं थी, और वो बहुत ज्यादा अच्छे नाइस बंदे थे, मंदिर का बहुत ध्यान देते थे, दान भी देते थे, धन मन। तो वो कहते मैं सारा मंदिर ऐसी करवाता हूँ, इसने नहीं कराने, नहीं कराने दिया, उसको निकाल दिया, अच्छे बंदों को रहने नहीं देता। ये आज का धरना लगाया है समस्त पब्लिक ने, सारी की सारी पब्लिक परेशान है दुर्गा मंदिर की मैनेजमेंट से, टोटल मैनेजमेंट सरपरस्त से लेकर नीचे तक की सारी मैनेजमेंट से परेशान होकर। ये आज से नहीं है, बहुत समय से परेशानियां चलती चली आ रही है, सबको चलती चली आ रही है। तो ये है सर देखो के ये इनकी जो खुद की ये सदस्यता का परफॉर्मा मेरे पास है, इनकी खुद की उसका है ये, ठीक है, इसी के आधार पे सारे आरोप हैं। सबसे पहले तो बाकी सारी बातें बात की है, बताओ, ठीक है जी। और यहाँ मैं नहीं, पूरी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि इनकी पूरी मैनेजमेंट माँ भगवती के चरणों में कितनी श्रद्धा रखती है और कितनी नहीं रखती, किसी भी प्रकार का कोई भी पालन ये लोग नहीं करते हैं। वो थर्ड में आ रही है, क्लियर हो रही है बात, शराब और मांस का प्रयोग ना करता हो वो इस मंदिर का सदस्य बन सकता है। ये लोग शराब का भी करते हैं सेवन, ये लोग मांस का भी सेवन करते हैं, अपनी आंखों से कई दफे देखी गई हैं, और मेरी अकेले की नहीं, पब्लिक की पूरी की सबकी निगाहों में ये चीजें हैं। मोहन सिंह जो भोला है वो मंदिर का पहले प्रधान रह चुके हैं, उसके कार्यकाल में मेरे पिताजी भी मेंबर थे मंदिर के, उस कार्यकाल में जो मंदिर में इसने घिनौनी हरकतें की है मंदिर के अंदर, मंदिर की मर्यादा को भंग करा है, इस मंदिर को बहुत ही ऊंचाई से नीचे तक लेके आया है ये आदमी मनमोहन सिंह भोला जो है। मंदिर के जो नोटबंदी हुई थी उसमें बहुत धांधलियाँ हैं मंदिर के काम में, मंदिर का जो भी पैसा है वो मंदिर के दोनों बाप बेटा आप इकट्ठे बैठ के यहाँ पे जो भी कार्य करना पड़ता है मंदिर के अंदर दफ्तर में पैसे इकट्ठे करते हैं, जो मंगलवार को दोनों बाप बेटा गले खोलते हैं किसी मेंबर को। मंदिर की बहुत बुरी हालत है इस टाइम, मंदिर की बहुत बुरी दशा है, सिर्फ एक ही बंदे ने सारे मंदिर का सिस्टम हिलाया हुआ है। मुकिल जी लंगर हाल में बैठ के स्मोकिंग करते हैं, यहाँ पे मांस मदरा खाया जाता है, ड्रिंक करी जाती है दफ्तर में बैठ के मंदिर के। अब आप क्या मांग करते हो कि क्या किया जाए इससे? मंदिर का सुधार करो, इसको निकाल, इनको निकाल दिया जाए, सारी मैनेजमेंट रद्द करके नई मैनेजमेंट बनाई जाए। दूसरी ओर श्री मनमोहन भोला ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस मंदिर में कुछ शरारती लोगों द्वारा कुछ राजनीतिक मुद्दे बनाकर मुझे मंदिर से हटाया गया है, जिससे मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है, मैंने राजनीतिक दबाव में आकर इस्तीफा दिया है। मैं मंदिर की मर्यादा, मैं इस मंदिर का श्रद्धालु हूँ, मेरी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर के ऊपर कुछ चंद शरारती लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर वाले लोगों ने बढ़ा के मैनू हटाने की कोशिश की है, मेरी मंदिर नू ठेस पहुंची है, मेरी आत्मा नू ठेस पहुंची है। मैं अपने माँ के दरबार के विच इहोजी हरकत नहीं देखना चाहता। मैं पोलिटिकल प्रेशर ने इन्होंने पाया, जो मर्जी करिया, मेरी माँ ने मैनू आवाज़ दी है, मैं उस गल ते उनकी फैसला हो गया, फैसला हो गया जी। सिर्फ मैं सरप्रस्ती तो अपना मैंबर नहीं रहाँगा, बाकी 19 जिहड़े साडे मैंबर है वो रहणगे। इस्त्री सभा की प्रधान जिहड़ी साडी संतोष राणी है वो रहेगी, उसकी जगह ते होर कोई नहीं आएगी। ते उस तो बाद हम मैंबरां दा की भी मैंबर रखे जाणगे कि नहीं? नहीं देखो जी, हुण मैंबरां ने रोला अज मतलब जिन्ना मैंबरां ने पाया क्लीयर हो गया, सिर्फ 19 मैंबरी कमेटी ही चलेगी,
अगर 19 मैंबरी कमेटी तो बाद किसी किस्म का पोलीटिकल का धक्का बनाने की कोशिश करेंगे फिर धक्के देना फिर मैं धक्का सामने आ के मैं खुद मैंबर बनाऊंगा। तो मैं खुद जोड़ा है 10 साल तो प्रेजिडेंट नहीं है, सिर्फ एक सरप्रस्त का सारा समाज जानता है भी क्या होंगे, एक रिस्पैक्ट होंगी है सरप्रस्त की। वो इन लोगों को कुछ बंद को बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ शरारती अंसर को, कुछ छोटे छोटे जोड़े अजकल कांग्रेसी लीडर अगे बने फिरते हैं उन्होंने प्रैशर बनाने की कोशिश करी, अपना प्रैश इशू बनाया। इस गल का मैं कोई वो नहीं है, मैं मां दरबार जुड़िया मैं जुड़िया रहा, उत्थों मैं कोई नहीं रोक सकता, मेरी सेवा कोई नहीं कट सकता। इस मौके पर श्री दुर्गा मंदिर सभा के पूर्व प्रधान श्री संजीव कमल ने इस बारे में कहा कि यह सब गलत हुआ है और उन्होंने माना कि मंदिर में कुछ लोग गलत हैं और लोग एकजुट हो गए हैं, हम लोगों के साथ हैं। सर मुझे पता लग गया, मैं वैसे बाहर सी हूँ ही आया भी प्रॉब्लम हो गई है, वैसे है तो चलो गलत गल हो गई है पर ठीक है, मैं मंदा भी मंदिर भी हैं थोड़े जे प्रॉब्लम हुई सी पहले भी तो लोगों को अच्छा नहीं लग्या, कई बार एक बार अपना जोड़े जागरण करने आते हैं उन्होंने भी कुटिया गया, उस टाइम भी सूँ पता लगा सी गलत सी गल तो है तो चलो सूँ पता ही है, सारे राजपुर भी पता भी की हो रहा है मंदिर, पर गल है हूँ सारे हूँ उठ के इकट्ठे हो चुके हैं तो जो समाज चाहता है जनता चाहती है असं उन्होंने नाल हाँ तो असं दिलों उन्होंने खड़े हैं भी जिथे वो कहे असी आने तैयार हैं, जिथे गलती असं वह भी दसागे भी कितने गलती है कितने सही है। पिछे बगैर ही मैं अभी मोहाली गया सी घरदा निशान तो पिछले इन्होंने मेरे फोन आया कहते जी अज रात को नवा प्रधान जतेंद्र बनमन बनाता है तो तुम आना है, मैं क्या मैं तो हो जाऊंगा लेट, सवेरे पर पता लगे इन्होंने उन्होंने हार चुनी पा के उन्होंने प्रधान अनाउंस करता तो इन्होंने फिर मैं मेरे तो पूछे बगैर ही नवे मैंबर बनाते भी जो भी ये करते रहे ने फिर मेरे को नहीं कभी इन्होंने पूछा, वो पुराने जोड़ा नवा बनया प्रधान उद्दे ही गलबात करके करते रह गए प्रोग्राम भी, उन्होंने 2 महीने पहले ही उसको भी सारा संभालता भी मैंने एकदम पिछे करता। गल ये कि भी मैं इतने मंदिर वास्ते बहुत अच्छा करना चाहता सगा, मैं करया भी है जब मैं मंदिर का प्रधान से 1 रुपया उस टाइम साढ़े अकाउंट नहीं थे, अभी भी अकाउंट देख लो 6-7 लाख मैं छड़ के गया थी अपना हिसाब न, तो मैं 4.5 लाख का जनरेटर भी लिया मंदिर वास्ते, 1.5-2 लाख रुपये शेड से लाए ने, तो मैं अपने पलों भी कई चीज़ा लाए ने, AC लाए ने, होर भी मैं लाना चाहता सी, पर पोला जी या कोई भी बंदा ला लो भी नहीं चाहते थे भी ये बंद का अगे काम सही करे, क्योंकि उन्होंने लगता है कि मैं डेली हर थान पर मेरा नाम हो रहा, वो समझा नहीं आया उन्होंने इस तरह ना मेरे को साढ़े वार्ड के मंदिर के जोड़े भी हैं घट्टो घट 150-200 बंदे आ गए हैं भी तुम बनो, तो मैं सही गल है मैं भी आदि जेडे मैंबर भी हाँ, पर यह जरूर है कि मैं पिछे हट गया कि मैं हालात देख ले भी हालात नहीं हो जाए बन रहे, तो जे जनता कहेगी आप ना लें उन्होंने कोई भी गल नहीं, पर गल है कि पहले इस गल को क्लीयर करना बहुत जरूरी हो चुका है भी नहीं तो मंदिर बहुत कम खराब हो रहा भी मंदिर के 3-4 बंदे मंदिर बहुत अपसेट कराया उन्होंने। हम आपको बता दें कि मंदिर में यह जो भी हुआ गलत है, श्री दुर्गा मंदिर को थाने तक ले जाना भी गलत है और मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा बनाना भी बुरी बात है। हमारे सूत्र बताते हैं कि श्री दुर्गा मंदिर का यह मामला भोला द्वारा इस्तीफा देने से समाप्त नहीं हुआ बल्कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्माने की पूरी उम्मीद है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा, न्यूज 18।